हेलो गाइस, इन दिस वीडियो हम जानेंगे साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन्स। विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, विटामिन बी वन को थायमिन बोला जाता है, विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन, विटामिन बी सिक्स को पाइरिडॉक्सिन, विटामिन बी सेवन को बायोटीन और विटामिन बी ट्वेल्व को कोबाल अमाइन बोला जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सिफिरॉल और विटामिन ई को टोकोफिरॉल के नाम से जाना जाता है। आप उसको लर्न कर सकते हैं, कुछ ट्रिक्स मैं आपको देता हूँ। विटामिन डी जो कि आपको मिलता है सनलाइट से, जो कि सोर्स है, और कुछ एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा आपको ग्लूकोन डी की जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो शो करती है कि जब आपको विटामिन डी मिलेगा जब ही आपका मिल्क यूटिलाइज हो सकता है, और जब मिल्क होता है उससे आपकी बोन डेंसिटी इंक्रीज होती है, और जो अगर डेफिशिएंसी है तो रिकेट्स हो जाता है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज़ है वो हो सकती है। तो विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल हुआ बोन के लिए, और जो नेम है वो कैल्सिफिरॉल है जो कि कैल्शियम शो करता है, जो कि बोन बनी होती है, तो आप इसे ऐसे लर्न कर सकते हैं। सेकेंड, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जो कि आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। इनमें किसी में भी एसिड नहीं लगा हुआ है, सिर्फ सिंगल विटामिन सी के पीछे एस्कॉर्बिक एसिड का यूज़ किया गया है। विटामिन ए, इसमें रेटिनॉल है, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है जो कि आपको दिखाई नहीं देगा, और रेटिना आपको देखने में हेल्प करता है, ये स्क्रीन की तरह होता है, तो उससे एसोसिएट कर सकते हो आप रेटिनॉल को। सो आई थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट। आई विल मीट विद अ न्यू वीडियो वेरी सून ऑन दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू अगेन।